की क्लास का मेरा पहला दिन था, मैं स्कूल गया। हर एक सेंटेंस के नीचे उनका रहता था, बच्चों तुम्हारा अगली बार ये बोर्ड है, बच्चों तुम्हारा अगली बार ये बोर्ड है। बोले यार ठीक है, पता है हमको, पता नहीं क्या जरूरत है। भाई साहब ये लोग 2 दिन मुझे इतना फ्रस्ट्रेट कर दी ना कि मैं जब भी घर आता हूँ मैं सिर्फ पंखे को देखता हूँ। मैं घर वालों को ही लिखता था अपना लेटर कि पता नहीं कल रहूँ या ना रहूँ। मैं लंच पीरियड में नीचे गया, एक क्लास 6 के बच्चे को पकड़ा। मैंने पूछा कौन से क्लास की हो, तो बोलता है 6। हम पूछे उनको जानते हो, बोलता है नहीं। बेइज्जती हो गई। फिर मैंने उसे हड़पाड़ के आवाज़ में बोला पता है तुम्हारा सीनियर हो, तुम क्या जानते हो मुझे, तमीज तेरा नाम उससे भी मतलब का मैं बोल रहा था। फिर मुझसे पूछता है भैया a³ + b³ + c³ पता नहीं कौन कौन से क्यूब के क्वेश्चन पूछने लगा। मैं सीधे मुड़ा, सीधे अपने क्लास में भाग गया। फिर मैंने आइंदा किसी बच्चे से पंगा नहीं लिया। एक बार मैं पीछे वाले कमरे में बैठा था, आगे कमरे में पापा मम्मी बैठे हुए थे, हमको चिल्ला के बुला रहे हैं पीयूष इधर आओ। मैंने नहीं सुना, ए पीयूष इधर आओ, इग्नोर किया, ए पीयूष इधर आओ, तब भी नहीं सुना। फिर अंदर आए कमरे में, मेरे सामने 5 ऑप्शन रखे, चिमटा, बेलना, चक्कू, लौकी या कद्दू। मैंने किसी पे हाथ रख दिया, उसी से मुझे मारे, फिर आके बाहर बैठ गए, फिर बुलाते हैं, तब मैं उठ के चला आया। ये मेरी औकात है रिश्तेदार। एक दिन हमारे यहाँ रिश्तेदार आए थे हमारे, हम सोफे पे आके बैठ गए, हमसे मम्मी इतने प्यार से बात कर रही, इतने नियम से बात कर रही थी कि मेरे दिल में धक धक हो गई थी, बहुत तेज पड़ गई थी, हार्ट बीट फट के हाथ में आने वाली थी मेरे, कि मैं समझ गया था एक चीज़ उस समय, या मुझसे कोई गलती हुई है या ये मेरी मम्मी ने। ऐसा इतना लाड प्यार तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। रिश्तेदार के आने से हमारी मम्मी लाड प्यार करने लगी, ऐसे मेरे बेटे कैसे हो, आओ बैठो बैठो, सेठ सेठ, भाई ये सब क्या हो रहा है। मैं डर गई एकदम, मेरी हमको लगा कि कुछ हो गया मेरी मम्मी को। फिर रिश्तेदार गए, फिर मैं मम्मी के पास आया, बैठ गया, ये जो अभी तुम कर रही थी सबके सामने वो एक और बार करो ना, चप्पल उतार के मारी। फिर मैं समझ गया था, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है ना वो दिखता नहीं।